सोमैया और सोमैया जैसे सुपारी पंटर, आरएसएस बीजेपी के चेले, ये गंदी राजनीति का काम करते हैं। हमारे महाराष्ट्र को, हमारे नेताओं को, हमारे महाराष्ट्र के समृद्ध राजनीतिक विचारधाराओं को खोखला बनाने का काम सोमैया कंभोज जैसे गंदी राजनीति के करने वाले इन लोगों को, इस महाराष्ट्र को खोखला करना है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये महाराष्ट्र हमारा है। कौन कहां से आता है और महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश करता है। किरीट सोमैया चुप क्यों है? उसकी जबान झड़ गई क्या? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरण समारोह में जो 15-20 लोग मर गए, जो ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड तो 100-150 लोग मर गए। अप्पा धर्माधिकारी जो महाराष्ट्र भूषण उन्हें दे दिया, जिनमें आदमियों को, लोगों को मार दिया गया, जो मुंबई में हुआ, खारघर में हुआ, किरीट सोमैया वहां पे जो राजनैतिक भ्रष्टाचार हो गया उस पे बातें नहीं करता। किरीट सोमैया जुबान झड़ गई क्या? जितनी महंगाई बढ़ गई है, शिंदे फडणवीस का सरकार असफल है, गंदी राजनीति करने में शिंदे फडणवीस सरकार माहिर है। किरीट सोमैया क्यों बातें नहीं करता? उनकी जबान झड़ गई क्या? गंदी राजनीति केरला फाइल्स की, गंदी राजनीति कश्मीर फाइल्स की। अरे इधर लोग मर रहे हैं, हिंदू कभी लव जिहाद के नाम पे भड़काते हो, कभी धर्मांतर के नाम पे भड़काते हो। जो जो धर्मांतर और लव जिहाद का काले कारनामे करेंगे उनको तो कठोर कायदे कानून से कठोर शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन किरीट सोमैया जी आपकी जुबान झड़ गई क्या? क्योंकि इधर अभी मई, मार्च, अप्रैल ये 2-3 महीने में जो बारिश हो गई, धूपकाल में बारिश हो गई, महाराष्ट्र के हजारों किसानों का नुकसान हो गया, उस पर किरीट सोमैया बातें नहीं करता। जो बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, उस पर किरीट सोमैया बातें नहीं करता। क्यों? उसकी जबान झड़ गई क्या? ये छाले पड़ गए या उसकी जबान किसी ने तोतरे बोलने के कारण कट कर दी? क्या हो गया क्या? लोगों को पता चलना चाहिए। क्योंकि भाजपा का एक सुपारी फंटर नेता, जो सिर्फ उद्धव ठाकरे गलत है, शिवसेना गलत है, एनसीपी गलत है, कांग्रेस गलत है, वो ही सब भ्रष्टाचार करते हैं और इनके चेले चपाटे, इनका ही पुणे जिले के दौंड विधानसभा क्षेत्र का विधायक राहुल कुल 150 करोड़ का घोटाला किया, संजय राउत बता रहे थे, उसकी पीछे ईडी लगाओ ना, दम है तो। लेकिन ऐसा नहीं करते। सोमैया डरते हैं क्योंकि उनकी पाकिट सुपारी बंद हो जाएगी। गंदी राजनीति का गंदा खेल सिर्फ सोमैया और वो दाढ़ी बढ़ाने वाला वो कंभोज, ये सब राजनैतिक अविचारी दरिंदे इस महाराष्ट्र को खोखला करना चाहते हैं। क्या है इनका मकसद? किरीट सोमैया का मकसद क्या है? कि जो जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ है, जो जो पार्टियां बीजेपी को सत्ता से बाहर भगा दिया, उन सब के नेताओं के खिलाफ, शिवसेना के नेताओं को टारगेट करना, एनसीपी के नेताओं को टारगेट करना, उनके पीछे ईडी लगाना, उनके पीछे सीबीआई लगाना,
उनके पीछे इनकम टैक्स लगाना, और रही बात नहीं तो पुलिस प्रशासन वर्दी पहनकर सरकार और बीजेपी का काम करती है, ये तो गंदी राजनीति है, इन पे कोई बात नहीं करेगा। महाराष्ट्र के किसी भी पार्टी के हो, चाहे बीजेपी के भी हो या कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, एनसीपी, किसी भी पार्टी के हो, वो नेता उनकी पार्टी में सबसे आगे जाने के लिए जो कोशिश करता है, अपनी पूरी उम्र उसमें गुजार देता है, और उनको खत्म करने का काम अगर सोमैया जैसे गंदे विचारों के लोग करते हैं, तो इनको ताकत से सब जुटकर विरोध करना चाहिए। इसके बाप का महाराष्ट्र है क्या? सोमैया कहां से आया? ये महाराष्ट्र का है क्या? लेकिन महाराष्ट्र के नेताओं को, महाराष्ट्र के पॉलिटिकल करियर को, महाराष्ट्र के नौजवानों को, लड़कियां औरतों को डिस्टर्ब करने का और सुपारी लेकर अलग ही बात चलाने का, भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है उनको कठोर शासन होना चाहिए, उसका समर्थन कोई नहीं करता, लेकिन खाली कुछ लोगों के ही पीछे, कुछ पार्टियों के, बीजेपी के भ्रष्टाचारी लोग जो शिवसेना के भ्रष्टाचारी थे, जो अब शिंदे साहब के साथ बीजेपी के साथ आ गए, उनका क्या? उनके पीछे पहले ईडी थी ना, अब क्यों नहीं है? क्यों सोमैया जैसे गंदे राजनीति करने वाले, गंदे विचारों का खेल करते हैं, उन पे क्यों नहीं बातें करते? सोमैया बोलो, तुम्हारी जबान झड़ गई क्या? जो महाराष्ट्र के जो इसका ही एजेंडा आगे ले जाने के लिए सोमैया और सोमैया जैसे सुपारी पंटर, आरएसएस, बीजेपी के चेले ये गंदी राजनीति का काम करते हैं। हमारे महाराष्ट्र को, हमारे नेताओं को, हमारे महाराष्ट्र के समृद्ध राजनीतिक विचारधाराओं को खोखला बनाने का काम सोमैया, कंभोज जैसे गंदी राजनीति के करने वाले इन लोगों को, इस महाराष्ट्र को खोखला करना है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये महाराष्ट्र हमारा है। कौन कहां से आता है और महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश करता है? अरे इतना ही भ्रष्टाचारी के खिलाफ बोलने की तुम में ताकत है तो जाओ ना, वो मोदी, शाह, नड्डा जी, शिंदे, फडणवीस जी सत्ता में बैठे हैं, हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला शुरू है, उन पे बात करो। लेकिन नहीं, दो आधे साल उद्धव ठाकरे साहब सत्ता में थे मुख्यमंत्री, क्या जान जल रही थी इनकी, आगे से पीछे से सिर्फ धुआं निकलता था। ऐसा किया वैसा किया, अरे इनकी पात्रता भी नहीं है उनके ऊपर, उनके खिलाफ बोलने की, लेकिन ये बोलते थे क्योंकि गंदी राजनीति किसी भी हद तक जाती है। अब बोलो, महाराष्ट्र के जो अहम मुद्दे हैं उनको दखल अंदाज सोमैया जैसे गंदे पार्टी के, गंदे विचारों के ऐसे ऐसे सुपारी फंटर कार्यकर्ता कैसे करते हैं, डाइवर्ट क्यों करते हैं? इन पे चर्चा होनी चाहिए और ऐसे गंदे विचारों के लोगों को भगाना चाहिए।
हमारे महाराष्ट्र के जो अहम मुद्दे है उन पे बातें क्यों ना एक सोमय्या जैसे लोग करते, क्यों उनकी जबान झड़ गई क्या?